आलमी हर्बल दवाखाने की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आलमी हर्बल दवाखाने के यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है आज पसीने के साथ। तो आज जानेंगे पसीने को, यानी जिस्म से जो पसीना आता है और इसका आना बंद हो जाता है तो कितने नुकसानात इसके आना बंद हो जाने से भी होते हैं और किस किस वजह से ये आना बंद होता है जिस्म से, तो इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे और इसको आने के लिए भी आपको इसका इलाज बताएंगे। इससे पहले अगर से आप चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर घंटी वाला बटन दबाएं ताकि आने वाली और मौजूदा तमाम वीडियो आपको मिलते रहें और आप उससे पूरा फ़ायदा हासिल करते रहें। तो जानिए पसीने के बारे में। पसीना आना बंद हो जाता है जिस्म के अंदर, जिससे बहुत सारी बीमारी जिस्म के अंदर पैदा हो जाती हैं और बदन से पसीना आना बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए कि इसमें जो जिस्म से गंदी रतूबात हैं वो जिस्म से खारिज होती हैं, निकलती रहती हैं और अगर वो निकलना बंद होती हैं तो जिस्म के अंदर कमज़ोरी और बीमारी पैदा हो जाती है। तो इसका पसीने का आना फ़ायदेमंद होता है और इसका बंद हो जाना नुकसानदेह होता है। तो रतूबत बदन के कम हो जाने से या इसके गलीज हो जाने से या जिस्म के सुराख तंग हो जाने की वजह से तो ये आना बंद हो जाया करता है और कभी कभी गर्मी सर्दी के वजह से भी ये बंद हो जाया करता है। तो अलामात इसकी ये होती हैं, पसीना आना बंद हो जाता है जिससे गंदा मवाद जिस्म से खारिज नहीं हो सकता है और जिस्म कमज़ोर होना शुरू होता है और जिसमें बीमारी लगना शुरू हो जाती हैं। अब इसके लिए इलाज जाने, गर्मी के मौसम में तो ज़्यादातर ठंडा पानी पिलाने से मरीज़ को पसीना आना शुरू हो जाता है और पुदीने को बंद देगची में जोश देकर मरीज़ के नज़दीक ढकना खोल दें, इससे भी पसीना आ जाता है। अनीसून को जोश देकर पीना और जिस्म पर लगाना भी इसके लिए फ़ायदेमंद होता है, यानी इससे पसीना आना शुरू हो जाता है। रोगन बाबूना में मुनासिब मिकदार में बूरा अरमनी मिलाकर मालिश करें, ये भी मुफीद होता है और मरीज़ के पेट को सही रखें और मरीज़ को जूद हज़म गिज़ाओं का इस्तेमाल कराएं और बादी चीज़ों से परहेज़ करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली और मौजूदा तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और आप उससे पूरा फ़ायदा हासिल करते रहें। और इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी बेहतरीन वीडियो के साथ। आदाब।